हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2023 के लिए, जो कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जनवरी 2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि क्योंकि आपको पता है सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं। तो हम विज्ञान के, कल हम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं जनवरी 2021 वाले। आज हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इकसठ, और साइंस का आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी जनवरी 2021 के एग्जाम में आया था। पहला क्वेश्चन साइंस का वो हम देख लेते हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इससे विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर दें, इस टाइप से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है, कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है, ये हमें देखना है। सिकुड़न और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है क्या, उपास्थि, पेशी, पसली, पिंजर, आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। तो आपको पता है हम बॉडी को, अपनी बॉडी को मूव करते हैं इधर से उधर, अपने हाथ को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो उसमें क्या कौन सी चीज़ वर्क करती है, किस चीज़ का फंक्शन होता है? तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वही सिकुड़न और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती हैं। हम अपने हाथ को मोड़ते हैं और फिर खोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उन्हीं से हड्डियाँ एक दूसरे से बंधी हुई हैं, और जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ उसमें वर्क करती हैं। तो इसका जो पहले का मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा टू से, अर्थात मसल से हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, इसका क्या होगा भाई? ये जो होगा ये होगा बोन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड क्या है भाई, हार्ड फॉर्मेशन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हम कंकाल कहते हैं। इसमें लिखा है हिंदी में, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, जो स्केलेटन बनाती है हमारे शरीर के अंदर। तो वो क्या बनाती है भाई? बोन्स जो होती हैं भाई, तो हमारा कंकाल कहलाता है। तो जो बी का हो जाएगा वो हो जाएगा बोन्स। फिर सी में क्या दिया है, पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, क्या भाई? हिंदी में, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, जिसे क्या क्या किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, वो क्या होते हैं भाई? कार्टिलेज होते हैं। वो क्या होते हैं भाई? कार्टिलेज होते हैं, जिसे हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं। और डी दिया है, जॉइंट्स द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एंड इनक्लोजर। अगर आपने कंकाल देखा हो, स्केलेटन देखा हो, तो आपने देखा होगा जो रिब होती हैं, जो रिब केज होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, वो मुड़ी हुई होती हैं, और वो क्या करती हैं भाई, चेस्ट बोन और बैक बोन टुगेदर फॉर्म करती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी भाई, रिब केज हो जाएगा। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये हमारा दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है भाई? ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि से अधिक हार्मोन स्त्रावित होते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी जो है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन होती हैं, और कुछ दोनों का काम करती हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, उनसे क्या होता है भाई, वो हार्मोन रिलीज करती हैं। और जो एक्सोक्राइन होती हैं, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो जूस को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं भाई? जूस को रिलीज करती हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है, वो होती है लीवर। क्या होती है भाई? लीवर होती है। और सबसे छोटी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो होती है हमारी पीनियल। क्या होती है भाई? पीनियल। सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल, और सेकेंड स्मॉलेस्ट, और दूसरी सबसे छोटी देखी जाए तो वो होती है पिट्यूटरी। क्या होती है भाई? पिट्यूटरी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे लंबी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट
ग्लैंड, लॉन्गेस्ट ग्लैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होती है हमारी पैंक्रियाज। क्या होती है भाई? पैंक्रियाज सबसे लंबी, सबसे लंबी अगर पूछ लिया जाए तो पैंक्रियाज हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी इंडोक्राइन, सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, तो वो होती है हमारी थायराइड। क्या होती है भाई? थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड होती है। तो आशा करता हूँ अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्त्रावित करती है, वह ग्रंथि का नाम बताइए जो दो से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है। ये सारी क्या है? अंतःस्रावी है, तो हार्मोन रिलीज कर रही है। तो कौन सी दो से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है ये हमसे पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं, एड्रिनल जो ग्रंथि है ये क्या करती है, एक एड्रिनलिन नाम का हार्मोन होता है वही रिलीज करती है, केवल एक हार्मोन रिलीज करती है। तो एड्रिनलिन तो इसका ऑप्शन हो नहीं तक सकता, इसका तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये एड्रिनलिन एक हार्मोन रिलीज करती है तो ये तो हो नहीं सकता। पीयूष हाँ करती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, जैसे ACTH है, ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और MSH है, और TSH है, और LH है, FSH है, MSH है, ये बहुत सारे जो है हार्मोन रिलीज करती है पीयूष ग्रंथि। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिट्यूटरी ग्लैंड ही। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है, मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट सबसे लंबी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय पैंक्रियाज ही होती है। ये क्या कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो ये जो रिलीज करती है ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या करती है, ये एक्चुअली अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है अग्नाशय, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो ये जो रिलीज करती है ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है अग्नाशय। और थायराइड जो है, थायराइड दो हार्मोन रिलीज करती है एक्चुअली, एक तो थायराइड हार्मोन होता है इसमें एक T3 और T4, इसको हम एक ही मान लेते हैं। और जो एक दूसरा हार्मोन है वो हमारी कौन सी रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन। जो थायराइड है कैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज करती है। तो सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने वाली जो ग्रंथि है दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा वो है हमारे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको लगता होगा कि सर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है देख लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमसे पूछा गया है। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, भाई ये तो कोई बात नहीं, सभी धातुएं तो ठोस नहीं होती हैं, कुछ धातुएं तो भाई बहुत मुलायम होती हैं, जैसे हमारी पोटेशियम है, सोडियम है, ये तो बहुत मुलायम होती हैं, इसे तो हम चाकू से भी काट सकते हैं, ये भी है तो धातुएं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी धातुएं ठोस हैं, ये हम बात नहीं कह सकते, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम जो है उसे हम चाकू से काट भी सकते हैं, और इसे हम कहाँ रखते हैं भाई, इसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। जो पोटेशियम होता है और सोडियम जो होता है उसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी एक लिक्विड धातु होती है, एक लिक्विड धातु भी होती है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते सारी ठोस होती हैं। जो मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहती है, वो भी हमारी धातु है, तो सभी धातुएं ठोस हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं। सभी धातुएं कठोर हैं ये भी हम नहीं कह सकते, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। और सभी धातुएं गैस हैं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ धातुएं लिक्विड भी होती हैं, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु है ना, ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन वो क्या लिक्विड फॉर्म में रहती है, क्या रहती है भाई, लिक्विड फॉर्म में रहती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा एक ही, सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। तो जो हमारी धातुएं होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी जो धातु होती हैं वो डक्टाइल भी होती हैं और मेलिएबल भी होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही हमसे पूछा है जो सत्य है भाई हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर चार विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौंसठ क्या कह रहे हैं देख लेते हैं भाई। बाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, बाई क्या हो सकता है ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे रेशे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं भी मैन मेड, एक क्या होते हैं मैन मेड होते हैं, और एक होते हैं नेचुरल।
तो मैनमेड और नेचुरल दो पार्ट्स में हमारे फाइबर डिवाइड होती हैं। हमारे फाइबर कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, एक मैनमेड और एक नेचुरल। नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो हमारे प्लांट से पाए जाते हैं और एनिमल से पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। और मैनमेड वो होते हैं जिसे हम लोग खुद बनाते हैं, जो मानव जिसे बनाते हैं वो मैनमेड होते हैं। तो इसके जो एग्जांपल होंगे नेचुरल में, नेचुरल में सिल्क आ जाता है, सिल्क आ जाता है, जूट आ जाता है, नायलॉन आ जाता है। क्या भाई इसमें क्या पूछा है, बाई हो सकता है? तो मैं बता दूं, जो नेचुरल हमारे रेशे होते हैं, जो हमारे रेशे नेचुरल होते हैं उसमें कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, उसमें आ जाएगा जैसे हमारी कॉटन है, कॉटन है, सिल्क है और वूल है, ये हमारे नेचुरल में आ जाएंगे। और मैनमेड में, मैनमेड में रेयन है, रेयन है, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, बाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, बाई क्या हो सकता है? तो जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है वो क्या होगा भाई, रेयन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयन। यहाँ तक ये आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, लेकिन ये क्या किया जाता है भाई, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। जैसे नायलॉन जो है ये भी नायलॉन है, एक्रीलिक है, ये भी सब क्या है, एक्रीलिन जो होती है वो भी मैनमेड ही होता है, लेकिन हमसे पूछा है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त किया जाता है वो होता है रेयन। क्या होता है भाई, रेयन। तो रेयन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारे ऑप्शंस हमें दिख जाएं, ठीक है, हो गया। देखते हैं भाई, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और फिर हमें इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है वो हमें बताना है। तो दोस्तों आपको पता है ऊष्मीयमान जो होगा, हम जो घर में यूज करते हैं तो उसका जो ऊष्मीयमान जो होता है वो उच्च तो यूज करते नहीं भाई, हम उच्च तो यूज करते नहीं है, निम्न भी नहीं करते, मध्यम करते हैं। क्या करते हैं, मध्यम करते हैं। तो मध्यम दो में दिया है, बी और सी में दिया है, किस में दिया है, बी और सी में दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारा या तो बी होगा या सी होगा। फिर हम देखते हैं जो अवस्था होती है वो हम गैस में यूज करते हैं, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक तो सही लग रहे हैं दोनों, लेकिन जो ज्वलन ताप होता है वो उच्च नहीं होता है, जो ज्वलन ताप होता है वो हाई नहीं होता है, वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो जो कैलोरिक वैल्यू होती है वो भी मॉडरेट होती है, और जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी मॉडरेट ही हम घर में यूज करते हैं, और जो यूज करते हैं वो क्या होती है, गैस होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। तो सी जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बता दे रहा हूँ। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो वो उन स्पीसीज को कहा जाता है, जो संकटापन्न स्पीसीज होती हैं उनको कहा जाता है, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई हो, जिनकी संख्या ना के बराबर रह गई हो, दो चार संख्या रह गई हो, जो बिल्कुल विलुप्त होने वाली हो, बिल्कुल समाप्त होने वाली हो, उसको हम इंडेंजर्ड कह देंगे। और जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती हैं, जो विलुप्त स्पीसीज होती हैं, ये वो होती हैं कि पृथ्वी पे उसकी कोई भी स्पीसीज रही ना हो, उससे रिलेटेड कोई भी स्पीसीज पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्त स्पीसीज कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं, ये किसी हमारे भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद होती हैं, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं तो यहाँ पे कोई एक प्रकार की स्पीसीज है वो केवल यहीं पे पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो ये एंडेमिक स्पीसीज कही जाएंगी या विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कही जाएंगी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, विशेष क्षेत्र, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में जो प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और इसमें कह दिया भी किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है, तो यही हो गया भाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, प्रवासी स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं, वो स्पीसीज होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर दूर चली जाती हैं, तो वो हमारी माइग्रेटरी अर्थात प्रवासी स्पीसीज होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सड़सठ अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों आपको पता है जो एलिमेंट जो तत्व होता है ज़्यादा रिएक्टिव, जो तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है। इसमें क्या हो रहा है भाई, धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। जो एक्स है वो वाई को डिस्प्लेस कर दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्स हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो जो एक्स जो है वाई से तो ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी जो तत्व होता है अगर किसी दूसरे तत्व से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो वो अपने जो दूसरे तत्व होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे एक्स जो था ज़्यादा अभिक्रियाशील था तो इसने वाई को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन जेड को ये डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड हमारा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो हमारा जेड क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यही हमसे पूछा है इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी इसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारी होगी वो होगी जेड जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, जेड विल बी द राइट आंसर, जेड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अड़सठ क्या कह रहा है देख लेते हैं। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरनी है तथा गिरती हैं तब पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये आभासी और समान साइज का होगा, या वास्तविक और आवर्धित होगा, या आभासी और आवर्धित होगा, या कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नो इमेज विल बी फॉर्म। इसमें कौन सा आंसर हो सकता है वो आपको बताना है। जब तक मैं आपको ये समझा रहा हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है जो हमारा परावर्तन परत होती है उसमें क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण इस टाइप से पड़ रही है इस पे, तो वो क्या करती है, इस टाइप से विस्तृत हो जाती है। क्या हो जाती है, मतलब कहने का ये, जो कोण इसका होगा आपतन कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये पूर्णतः विस्तृत हो जाती है, कोई किरण पड़ रही है एक पृष्ठ पर पड़ रही है तो वो पूर्णतः विस्तृत हो जा रही है, इधर उधर भाग जा रही है। तो इसका मतलब जब इधर उधर भाग जा रही है, विस्तृत हो जा रही है, क्या हो जा रही है, डिफ्यूज हो जा रही है। जब डिफ्यूज हो जा रही है तो जाहिर सी बात है कोई प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। जब कोई रे है जो प्रकाश किरण है वो विस्तृत हो जा रही है, डिफ्यूज हो जा रही है, तो उससे कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 हम देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर कोई चीज़ एक जगह पर रखी है तो उसमें क्या होता है भाई, कोई बल नहीं, एक्चुअली एक बल जो काम करता है वो होता है फ्रिक्शन। क्या होता है भाई फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमारा दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है भाई, स्टेटिक फ्रिक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन होता है। जैसे कोई वस्तु, एक टेबल है हमारी, ये टेबल है, इस पर जो बुक रखी है, इस पर एकदम बुक रखी हुई है केवल, तो ये जो इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो फ्रिक्शन है वो हमारा हो जाएगा स्टेटिक फ्रिक्शन। जो रेस्ट में अगर कोई चीज़ है तो वो होगी हमारी क्या, स्टेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। और जो डायनामिक होगी, इसमें क्या होता है, ये मूव होती है, दो प्रकार की होती है, एक रोलिंग होती है और एक स्लाइड होती है। मतलब किसी भी, जैसे ये बुक रखी है इसको हम थोड़ा सा सरका के इधर कर दें तो इसमें जो होगा स्लाइड डायनामिक फ्रिक्शन होगा, और अगर हम इसे रोल करते हुए इधर बढ़ाएं आगे तो ये रोलिंग डायनामिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा है भाई, किसी फर्श पर, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना होगा। तो अगर हमें इसे हटाना है तो इससे अधिक बल लगाना होगा, और इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, जब कोई वस्तु रेस्ट में है, जैसे ये टेबल है इसके ऊपर बुक रखी है, या मान लो ये बॉक्स रखा है, कोई विशाल बॉक्स रखा है, तो इसको अगर हमें सरकाना है, एक इस जगह से इस जगह पे लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सरकाना पड़ेगा। और इसमें हमें पता है कोई भी चीज़ रेस्ट में रखी होती है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, स्थैतिक घर्षण
काम करता है, तो उससे जब हम हटाएंगे तो हमें इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर वन में दिया है, स्थैतिक घर्षण। तो ऑप्शन नंबर एक विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सत्तर क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो सकता है वो हमें बताना है। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। जी नहीं, कंपन की आवृत्ति तो भाई उच्च होती है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर एक तो सही होगा नहीं। इसमें क्या लिखा है भाई, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। सही कथन चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना होती है, जो लाउडनेस होती है उसमें क्या काम करते हैं भाई, एम्पलीट्यूड काम करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका जो सही होगा, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होना चाहिए। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया तो ये हमारा गलत हो गया। और फिर कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो हमारी ध्वनि होती है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात सच है। आपको पता होगा जो हमारी ध्वनि होती है, जो हमारी साउंड होती है, वो निर्वात में वर्क नहीं कर पाती, निर्वात में गमन नहीं कर पाती है। लेकिन जो हमारी लाइट होती है, जो हमारा प्रकाश होता है, वो वैक्यूम में और तेज़ी से गमन कर सकता है, लेकिन हमारी जो साउंड होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर पाती। तो यही कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द राइट आंसर। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर फोर भी देख लेते हैं एक बार। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स एम्पलीट्यूड। जी नहीं, जो पिच होती है वो किस पे निर्भर करती है, किसके द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है, वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है, और जो पिच होती है वो किसके भाई, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप करने के लिए पी से पिच और एफ से फ्रीक्वेंसी। तो पी एफ आप इससे इसको याद रख सकते हैं, पी से पिच और एफ से फ्रीक्वेंसी। और जो ये लाउडनेस है, लाउडनेस को आप कैसे याद करेंगे, तो इसे ऑल से याद कर सकते हैं, ऑल एम्पलीट्यूड लाउडनेस, एम्पलीट्यूड लाउडनेस, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन नंबर थ्री हो गया राइट आंसर। अब हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, जो क्या है, बहुत पूरक चालक है, किसके, विद्युत के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटी का जल जो है वो तो भाई विद्युत का सुचालक होता है, तो ये तो सही होगा। लेकिन शैम्पू, जो हमारा शैम्पू है वो हमारा पूरक कंडक्टर होता है, जो विद्युत का पूरक कंडक्टर होता है वो शैम्पू होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, शैम्पू में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, हमें क्या चूज करना है, पूरक कंडक्टर हीन चालक हमें चुनना है। लवण विलयन, नींबू का रस और सिरका, तो भाई ये सिरका तो भाई नहीं है, सिरका तो पूर कंडक्टर है, लेकिन नींबू का रस और लवण विलयन, जो लवण विलयन होता है, जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, वो तो भाई विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, तो इसे हम पूर नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर टू भी नहीं होगा हमारा आंसर, वन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर थ्री, शैम्पू मैंने कहा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो वनस्पति ऑयल होता है इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आश्रित जल जो होता है इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो पुअर कंडक्टर है, हीन चालक है विद्युत का। तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द राइट आंसर। एक बार हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, चीनी का विलयन तो भाई विद्युत का सुचालक होता है, नींबू का रस भी। तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर। आपको पता होगा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो थ्री विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक क्या होता है भाई, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में बदली है तो उसे पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो होते हैं, जो एक बार अगर किसी चीज़ में से रिएक्शन कर ली तो फिर वो दोबारा से अपनी पिछली चीज़ में नहीं बदल सकती, तो उसे क्या कहते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो देख लेते हैं भाई, पानी का उबलना तो भाई ये फिजिकल में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम उसे उबालेंगे तो हम उसे ठंडा भी कर सकते हैं भाई।
गर्म करके ठंडा भी कर सकते हैं। अगर बांस बन के उड़ भी जाएगा तो हम उसे घट्टा भी कर सकते हैं। कांच को तोड़ना और लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना तो है भी रासायनिक परिवर्तन, लेकिन हमारा पानी उबालना फिजिकल है तो ये तो हमारा वैसे ही नहीं होगा। और जल में लवण घोलना और भोजन का पाचन कागज़ के टुकड़े टुकड़े करना, तो भोजन का पाचन तो हमारा रासायनिक होगा, भोजन का पाचन तो हमारा रासायनिक होगा, लेकिन कागज़ के टुकड़े हमारा फिजिकल हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। भोजन पकाना ये हमारा, क्योंकि हमें पता है ना अगर भोजन हम एक बार पका लें तो हम उसे कच्चा तो नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारा रासायनिक हो जाएगा। और पानी उबालना फिर हमारा फिजिकल आ गया, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो फिर चौथे में कह दिया लोहे को जंग लगना, तो लोहे में अगर जंग लग जाती है तो वो क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेस होता है। कागज़ का जलना, अब जब कागज़ एक बार जल जाएगा तो वो तो राख बन जाएगा, तो उस राख से तो हम कागज़ बना नहीं सकते, तो ये भी हमारा केमिकल चेंजेस हो जाएगा। और भोजन का पाचन, भोजन का पाचन अगर एक बार हो जाएगा तो फिर हम उसे फिर से उस टाइप का भोजन थोड़ी नन बना पाएंगे, तो ये भी हमारा केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है भी जो हमारी चाल होती है, जो हमारी स्पीड होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता भी यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, हमसे इसमें एवरेज ही तो पूछा है, इसकी क्या पूछी है, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है भाई, 4 किलोमीटर है, कितनी भी 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, लेकिन हमें कितना टाइम लग रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो जितना टाइम लग रहा है वो निकाल लेते हैं, टोटल टाइम हमारा क्या होगा वो हम देख लेते हैं। पहले तो भाई उसे लग रहे हैं 10 मिनट, कितने लग रहे हैं 10 मिनट, 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर उसके बाद वो 15 मिनट अपनी दोस्त के साथ रुक जाती है, कितने 15 मिनट वो अपने दोस्त के साथ रुक जाती है, 10 और 15 हो गए। फिर उसके बाद 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई उससे जो टाइम लग रहा है भाई कितना लग रहा है, 10 क्या लग रहा है भाई 10, और हमें इसे क्या करना है वही घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना पड़ेगा भाग, और हमें निकालना क्या है इसकी क्या निकालना है भाई, हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे भाई, इससे जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा, तो ये जो लास्ट में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है वो कितनी दूरी चली है हम निकाल लेते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस निकल जाएगी, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय, तो हमने इस समय तो लिख लिया, और जो चाल थी उसकी वो कितनी थी भाई 12, कितनी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 0 से 0 कट गया और 6 दूनी 12, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिस्टेंस आ रही है वो 2 किलोमीटर आ रही है। मतलब कहने का ये है जो 10 मिनट में उसने जो दूरी चली थी वो 2 किलोमीटर चल ली, उसने कितनी भाई 2 किलोमीटर चल ली, और टोटल हमारी 4 थी तो 2 चल ली, तो 2 बची, और 2 जो बची थी वो कितने भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से की स्पीड से चली तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन चाल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टाइम, तो 2 बटे 4 2 चौक 8 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि इसे घंटे में बदलना है, इसमें क्या मिनट में बदलने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे मिनट में ही दिए हैं, तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 60 से इसमें कर दी मल्टीप्लाई, तो 4 से जब हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 मिनट, कितना आ गया भाई 15 मिनट फिर से आ गया। तो जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो 2 किलोमीटर चला उसमें कितना मिनट टाइम लगा भाई 15 मिनट, तो 10 और 15 25 और 15 40 मिनट हो गए, कितने हो गए 40 मिनट हो गए, और हमारी टोटल जो दूरी दी गई वो कितनी की दी गई भाई 4 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस जो होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, तो हमें टोटल डिस्टेंस हमें पता है भाई 4 किलोमीटर है, और जो टोटल टाइम हमारा आया वो कितना आया भाई 40 मिनट आया। अब क्योंकि हमें घंटे में बदलना है, तो घंटे में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 60 से
इसमें भाग करना पड़ेगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और चार से चार कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर एक में दिया है। तो ऑप्शन नंबर एक विल बी द राइट आंसर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं भाई। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है, तो नहीं को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसमें भी अंडरलाइन करके दिया गया है। तो कौन सा लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो डीकैंटेशन जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो डीकैंटेशन होता है वो होता है क्या होता है भी, एक प्रोसेस होता है जिसमें सेपरेट करते हैं हम क्या करते हैं मिक्सचर को बाय रिमेनिंग लिक्विड, जो लिक्विड होता है मतलब जो मिक्सचर होता है मिक्सचर में से हम क्या करते हैं भाई रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं लिक्विड, ऐसे मिक्सचर जिसमें से हम लिक्विड को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई डीकैंटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई डीकैंटेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सहायक नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो मिक्सचर को लिक्विड से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है डीकैंटेशन निस्तारण, और जो होती है फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन होती है तो इस ये क्या होगी फिल्ट्रेशन जो होती है, फिल्ट्रेशन क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन जो होता है वो कैसे सेपरेट करते हैं भाई सॉलिड जो होता है तो उससे क्या निकाल देते हैं भाई लिक्विड निकाल देते हैं और गैस निकाल देते हैं, लिक्विड और गैस को सॉलिड, कोई सॉलिड है कोई मिक्सचर है उसमें से सॉलिड को अलग कर लेते हैं और उसमें से जो गैस है उसमें से जो गैस और लिक्विड है उसको अलग कर देते हैं, वो हमारा फिल्ट्रेशन कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। और जो ऑस्मोसिस होता है, जो हमारा ऑस्मोसिस होता है क्या होता है भाई, हमारा जो डिस्टिलाइजेशन होता है वो हमारा क्या होता है मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल को हम बनाते हैं, अल्कोहल को अलग निकाल लेते हैं मिश्रण से, तो ये होता है डिस्टिलाइजेशन। और जो उबालना होता है, बॉइलिंग, बॉइलिंग किसी पानी को जब हम उबालते हैं तो वो बाष्प बन के ऊपर निकल जाता है, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सहायक नहीं है, तो जो सहायक नहीं है वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर एक निस्तारण डीकैंटेशन, डीकैंटेशन जो है हमारा गलत हो जाएगा, इसमें हमसे यही पूछा है जो सहायक नहीं है तो हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डीकैंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम मिक्सचर को क्या करते हैं भाई लिक्विड से अलग कर देते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डीकैंटेशन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन, तो शैडो फॉर्मेशन के बारे में हमें बताना है। तो आपको पता है भी जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में चलता है और प्रकाश की चाल जो होती है वो उच्च होती है और उच्च गमन करता है, और प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये बात आपको पता है। लेकिन हमें इसमें जो बताना है वो बताना है, क्या बताना है भाई, छाया बनने जो शैडो फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शैडो फॉर्मेशन होता है वो एक प्रकार का काला धब्बा होता है, एक ब्लैक स्पॉट होता है, जो हमारा शैडो फॉर्मेशन होता है वो एक प्रकार का ब्लैक स्पॉट होता है, जो तब बनता है जब, पता है क्या होता है, जब जो ओपेक जो अपारदर्शी जो होता है अपारदर्शी वस्तु कोई सामने आ जाती है प्रकाश के तो वो उसको पार नहीं कर पाती है। तो आपको पता होगा जब कोई अपारदर्शी, जैसे हमने एक बुक ही रख दी प्रकाश के सामने, तो वो उसको पार नहीं कर पाएगा प्रकाश, तो ये होता है भाई। और जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है, जब सीधी रेखा में चलता है तो उसके सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वो उसको पार नहीं कर पाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा शैडो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो होगा प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जी हाँ, और जो हमारा प्रकाश होता है अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और डी या डी और ए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए, इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या लिखा है ऑप्शंस में। बलुआ मृदा में महन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, ऐसा होता है क्या, जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है, चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर तो नहीं होता है भाई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं,
दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। जी नहीं, बराबर भी नहीं होती। जो चिकनी मृदा होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसमें कोई जो क्लेई सॉइल होती है उसमें बराबर तो मात्रा होती नहीं बड़े और महीन कणों की, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। उसमें तो मैक्सिमम महीन कण ही होते हैं। जो चिकनी मिट्टी होती है, जो केले और सॉइल होती है, उसमें तो ज़्यादातर जो होते हैं महीन कण ही होते हैं। मोटे कण तो होते नहीं है, बड़े कण तो होते नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। जी नहीं, उच्चतर बिल्कुल नहीं होता, इनफैक्ट उससे कम होता है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन द लोमी सॉइल, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन एक्स की हीनता या कमी, जो विटामिन एक्स की कमी अगर हो जाए, कोई विटामिन है एक्स, उसकी अगर कमी हो जाती है तो मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, मसूड़ों से एक खून टाइप का निकलने लगता है, ब्लड टाइप का निकलने लगता है, तो ये विटामिन खनिज बाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। जो एक्स होता है वो किस भोजन में पाया जाता है, तो जिस भोजन में पाया जाता है उसे हम जेड बोलेंगे, और जो ये एक्स विटामिन है उसे हम एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, जो मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, जो मसूड़ों से ब्लीडिंग हो जाती है, जो गम से ब्लीडिंग होती है, वो किस वजह से होती है, वो होती है हमारे विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। तो जो ये होती है हमारी कमी, मसूड़ों में रुधिर बहने की प्रॉब्लम जो होती है, विटामिन सी की वजह से होती है। तो विटामिन सी ए की ऑप्शन में दिया है, जो एक्स के हो गया विटामिन सी, और वाई जो हो गया वो आयरन हो गया, और जेड जो है नींबू बंस हो गया, नींबू बंस के फल। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें मैक्सिमम टाइम्स हमारा विटामिन सी ही पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो हमारा विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है भी, रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ठीक है, और फिर विटामिन डी, इससे हड्डियों वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और जो विटामिन बी है, इसके कई पार्ट भी होते हैं, विटामिन बी 1, 2, 3, जैसे राइबोफ्लेविन, बायोटीन, साइनोकोबालामिन, जैसे B12 होता है साइनोकोबालामिन बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, है ना, विटामिन 12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। तो इस टाइप से हो गए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे विटामिन्स होते हैं उसमें बी और सी विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। और जो ए डी ई के हैं, कौन से भी ए डी ई के जो है हमारे विटामिन, ये क्या होते हैं, वसा में सॉल्युबल होते हैं, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो राइट आंसर हो गया विटामिन सी वाला, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अब भाई पेडागोजी वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कौन से भी पेडागोजी वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको भी अच्छे से हम देख लेंगे। विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो देख लेते हैं। विज्ञान विश्वासों की एक प्राणी है, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, ये गलत बात है। लेकिन विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा वर्णन कर रहा है। विज्ञान की प्रकृति जो है वो विज्ञान की प्रकृति में सामाजिक है, विज्ञान की प्रकृति में क्या है भी, सामाजिक है। तो यही कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साइंस इज सोशल इन नेचर, यही कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा भाई हम लगाएंगे। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका होते हैं, तो एकमात्र वाली बात आ रही है, ओनली वाली बात आ रही, तो ये तो वैसे ही कट गया। मैंने आपको इस टाइप का एक टैग वर्ड बताया, तो जिसमें ओनली आ जाए वो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है भी, गलत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइंस इज सोशल इन नेचर, 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ अभी तक मैंने क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है,
संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है, यह हमसे पूछा गया है। विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है, यह समावेश का समावेश होता है, तो ये तो हो नहीं सकता भी, ये तो इसका संज्ञानात्मक वैधता है नहीं। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना, ये हमारा संज्ञानात्मक वैधता के अंतर्गत आ जाता है। विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है उसमें संज्ञानात्मक वैधता के जो अर्थ है वो यही कहलाएगा, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। तो यही हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक का तुच्छीकरण, तुच्छीकरण वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी भी। विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लेते हैं भाई। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है, कौन सा रिकमेंड करती है NCF 2005, तो देख लेते हैं भाई। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, या अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए, जी बिल्कुल। और फिर तीसरा जो दिया गया है, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, और जो डी दिया गया है वो हमारा क्या है भी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन इसका थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा मैंने छोटा कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या क्या सही है, कौन कौन सी NCF के अंतर्गत आता है, NCF क्या क्या रिकमेंड करता है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, हमारा NCF जो है इसे रिकमेंड करता है। इसके साथ ही अवधारणाओं तक गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, हाँ भाई जो अवधारणाएँ जो हैं वो गतिविधियों और प्रयोगों के द्वारा अगर हम बच्चे की तक पहुंचाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा, गतिविधि करेगा तो उससे कहीं ना कहीं उसे इंटरेस्ट भी आएगा, एक्टिविटी करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी आएगा और फिर मज़ा भी आएगा, सीख भी जाएगा। तीसरा दिया है, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना, जी नहीं ये नहीं होगा, ये जो NCF 2005 है ये रिकमेंड नहीं करता है। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ए और बी होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है, तो निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है, हम देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य हो सकता है। तो वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, जी हाँ, जब वैज्ञानिक अपना कोई काम करते हैं तो उससे पहले करने से पहले वो काल्पनिक रूप से सोचने लगते हैं, अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो कुछ इस टाइप का हो सकता है। तो वैज्ञानिक जीवन में कल्पना का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो कल्पना पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वैज्ञानिक, तो ये तो सही है भाई। दूसरा देख लेते हैं, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता, जी नहीं, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आने वाले समय में विज्ञान की समाज अधिकांश क्या हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ सोसाइटी प्रॉब्लम, ये भी नहीं है कि साइंस सब सारी प्रॉब्लम सोसाइटी ख़त्म कर दे, ये भी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइंटिस्ट रियली हैवली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क, अपने वर्क को पूर्ण करने के लिए कल्पना पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कह रहा है। यीशु के एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया, नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई, उसने कहाँ पे गलती कर दी, ये हमें ऑप्शंस को देख के बताना है। तो वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सरणीबद्ध कर रही है, तो ये तो भाई सही कर रही है, वो मौसम की एक रिपोर्ट बना रही है, तो उसके लिए वो एक किसी वेबसाइट से आंकड़े सरणीबद्ध कर रही लिख रही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं कर रही है।
वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तो उसने जो मौसम को देखा है, उसने उस वेबसाइट पे जो चेक किया, तो उसे उसे पता लग जाएगा कि बारिश हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या करें, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाएगी। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्द्रता की कमी से थोड़ी ना बढ़ती है। आर्द्रता जब ज़्यादा होगी तो वर्षा की चांसेस हो सकते हैं, तो यही गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं, उसकी जो गलती होगी ऑप्शन नंबर 3 में ही हो जाएगी। सी कैनक्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ रेनफॉल। तो इसमें भाई कमी थोड़ी ना, कमी से थोड़ी ना, जब ज़्यादा होगी आर्द्रता तभी तो बारिश होगी। तो यही हमारी गलती होगी, इसकी जो गलती होगी ऑप्शन नंबर 3 में होगी। और चौथा क्या कह रही है, वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान होता है वो हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसने जो गलती की है ऑप्शन नंबर थ्री में की है। हमसे गलती पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? तो क्या उपयोगी रणनीति हो सकती है वो हमें बताना है। प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, जी नहीं, इससे तो कोई संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति नहीं होगी। और प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, ये भी नहीं होगा। अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, ये होगा भाई, ये जो होगा ये उपयोगी रणनीति हो सकती है संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए। अवधारणा मानचित्रण हमारी यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, ये हमारा बहुत अच्छा आंसर होगा, ये हमारी उपयोगी रणनीति हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नियमित गृह कार्य, तो ये तो गलती हो जाएगा भाई, गृह कार्य वाली बात तो गलती हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो जिसे हम नहीं अपना सकते हैं लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को, हम कौन सा काम नहीं करेंगे, कौन सा काम नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। जो करने हैं वो तो सही होंगे, और जो नहीं करना है वही हमें छांटना है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, जी हाँ, जिसमें इनकरेज करने वाली बात हो, प्रोत्साहित करने वाली बात हो, तो वो तो हमारा मैक्सिमम टाइम्स सही होता है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, ये तो भाई गलत बात है, हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि लड़कियां हावी रहें, तो यही कहीं ना कहीं इसके अलावा और सारे हो सकते हैं। तो चौथा देख लेते हैं, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेंगे, जी हाँ, जब हम महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेंगे तो जो लड़कियां हैं उनके अंदर एक सोच विकसित होगी कि भाई जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल हो सकता है, ये काम कर सकती है। और ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो गलत हो जाएगा, लड़कियां हाँ भी नहीं करेंगे हम, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, बी माइंडफुल दैट गर्ल ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, जी हाँ, प्रोत्साहित करने वाली बात तो बिल्कुल सही होती है। एक शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, क्या ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, जी बिल्कुल बिल्कुल करता है, ये सोचने की जो शक्तियाँ होती हैं, युक्तियाँ जो होती हैं उन्हें विकसित करता है, बिल्कुल करता है अभी। फिर दी देख लेते हैं, ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, जी बिल्कुल आकलन में सहायता भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अपसारी चिंतन में, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, जो अपसारी होती है उसमें बच्चा अलग अलग टाइप से, उसके हर कोई क्वेश्चन अगर हमने उसे करने को दिया तो वो कई प्रकार से सोच सकता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। जैसे मैंने कल भी जो मैथ की क्लास कराई थी उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो किसी भी चीज़ को कई प्रकार से करना, वो हमारा क्या होता है, अपसारी बच्चा हो जाएगा। और जो कन्वर्जेंट होगा वो तो भाई केवल एक ही आंसर देगा, डायरेक्ट एक आंसर दे देगा, तो वो तो भी कन्वर्जेंट होता है, लेकिन सही क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, अपसारी बच्चा सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ACD।
बी को छोड़ के सारे होंगे, ए सी डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों को शामिल करता है। अगर जब कक्षा में कोई प्रदर्शन होता है तो उससे क्या होता है, शिक्षार्थियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को क्या शामिल क्यों शामिल करते हैं। तो इसका ये रीज़न होता है, जब कोई प्रक्रिया जो एक्टिविटी होती है, जो प्रदर्शन होता है क्लास में, तो बच्चे उसको देखते भी हैं, जब देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होता है, जब इंटरेस्ट आता है तो जब वो प्रदर्शन होता है तो उसमें जो लोग आपस में बोलते हैं तो उसको सुनते भी हैं, उससे सुन के भी सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे उसे देख कर भी सीखते हैं और सुनकर भी सीखते हैं। तो विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग विल बी द राइट आंसर, दृश्य और श्रवण विल बी द राइट आंसर। केवल वाला तो वैसे ही कट गया, अभी गतिबोधक होता नहीं, श्रवण और गतिबोधक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है देख लेते हैं। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के नियोजन का क्रम दें। इसका क्या क्रम होना चाहिए, ये तीन हमें ऑप्शन दिए गए हैं, को किस क्रम से लगाना चाहिए ये पूछा गया। शिक्षार्थियों तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें, या इससे पहले ये करें शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करके करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से पहले ये करेंगे, कहेंगे कि बच्चों वस्तुओं के साथ, विभिन्न वस्तुओं के साथ क्या करो, टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। बच्चों से कहेंगे कि भाई टब में पानी लो और उससे आप खेलो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं को के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर देंगे, जिससे कि हम बच्चों से कहेंगे कि भाई आप कुछ भी इसमें डाल के देखो, कौन सी चीज़ तैर रही है, कौन सी चीज़ डूब रही है, इस टाइप का हम अवसर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे कहेंगे कि एक इस टाइप की छोटी नाव बनाइए जिसमें 1 किलोग्राम वजन ले जा सके वो नाव। तो सबसे पहले हम बी शिक्षार्थियों को क्या करेंगे, टब में पानी में खेलने का मौका देंगे, तो बी जिससे स्टार्ट हो रहा है वही हमारा हो सकता है। फिर उसके बाद ए शिक्षार्थियों तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर देंगे, तो बी के बाद क्या आएगा, ए। तो बी के बाद ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है, बाई क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो क्लोरोफिल होता है हमारे हर पौधे में पाया जाता है, हमारे जितने भी पृथ्वी पर पौधे पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया ही जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, क्लोरोफिल करता है नहीं, तो इसलिए क्लोरोफिल तो लगभग सब में ही होता है, क्लोरोफिल सब सारे पेड़ पौधे में होता है, केवल एक को छोड़ के, वो क्या भी कसकटा, जिसे हम अमरबेल कहते हैं, कसकटा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एल्गी, पिचर प्लांट, मैपल ट्री, इन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, कसकटा अमरबेल में एक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, देख लेते हैं भाई ये हमारा क्या कह रहा है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है, भाई हमसे ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, भाई हम इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ, आपने सुना होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन वैसे तो बड़ी होगी, लेकिन वो बड़ी क्यों होती है, वो बड़ी इसलिए होती है क्योंकि वो चौड़ाई में ज़्यादा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं। लेकिन रियल में अगर लेंथ नापी जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आँत है वो बड़ी आँत से काफ़ी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। जी नहीं, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फिर एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी नहीं होता है अभी लार्ज इंटेस्टाइन में, ये भी हमारा स्मॉल में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड कार्ड बिल्लाई। जी नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है, जो बिल्लाई पाई जाती हैं वो हमारे किस में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, क्या होती है,
छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर वन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। रेशम कीट के क्या भी रेशम कीट के जीवन चक्र के रेशम कीट के जीवन चक्र के रेशम और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है, जो नॉट है जो इसके लिए सही नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वो कुछ स्टेप से होता है। स्टेप से होता है, सबसे पहले जो एग होता है, एग को हम लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं एग को लेते हैं। फिर उसके बाद उससे क्या बनता है भाई, कैटरपिलर बनता है। क्या बनता है? कैटरपिलर बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं कोकीन, जिसे हम कोकीन कहते हैं वो बनता है प्यूपा। फिर उसके बाद क्या होता है, बटरफ्लाई। उसके बाद बटरफ्लाई। तो इसमें दिया रेशम, इसमें जो गलत है वो हमसे पूछा है। तो रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, जी बिल्कुल इसे हम कैटरपिलर ही कहते हैं, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर तो नहीं बनता भाई, एक कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, जो कोकिन होता है वो कैटरपिलर से बनता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो तीसरा देख लेते हैं, रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्त्रावित प्रोटीन है, जी हाँ बिल्कुल। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, जी नहीं बिल्कुल सही है, ये तो भाई बिल्कुल सही है, हमसे गलत पूछा गया। तो पीपा कोशिक विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। द पीपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, क्योंकि ये तो उल्टा बोल रहा है ना, कैटरपिलर से पीपा बनता है ना कि पीपा से कैटरपिलर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि सर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया तो हम आसानी से कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।